वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड कल के लिए बेस्ट थ्री स्टॉक्स अपने पास जिसमें लोटेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक अपने पास हनीवेल ऑटो एंड हनीवेल ऑटो में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट में, जिसकी वजह से सब स्टॉक्स में लास्ट मोमेंट पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को आया है। ये इसका सपोर्ट है ट्रेड लाइन का, अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे आता है तो वापस से यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब यानी कि कोई बायर्स अगर होगा, कोई बाइंग करके रखा है तो वो वेट कर रहा है कि ये ट्रेड लाइन से मार्केट क्या हो जाए, घूम जाए। अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे आएगा तो सब बायर्स क्या होंगे, एग्जिट होंगे मार्केट से, वो लोग अपना पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो लोग यहाँ पे बुक करके निकलेंगे अपना पोजीशन को। तो जैसे ही इस ट्रेड लाइन के नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को मिलेगा, बट ये ट्रेड लाइन के नीचे जल्दी ऐसे संग संग नहीं आता। मार्केट यहाँ पे थोड़ा क्या करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा होल्ड करेगा, डिसीजन लेगा कि मार्केट इसको तोड़ने को तैयार है कि नहीं। तो कभी भी डायरेक्ट देखिएगा ब्रेकडाउन नहीं आता, जब भी मार्केट तोड़ने वाला होता ना, थोड़ा थोड़ा डिसीजन लेने के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। अगर कल के दिन हनीवेल ऑटो में टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आ गया, टाइम स्पेंड कर रहा, मार्केट होल्ड कर रहा, रुका हुआ है, तो वहाँ पे समझ सकते कि ट्रेड लाइन कभी भी टूट सकता है। तो जैसे टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ट्रेड लाइन को तोड़ेगा, हम लोग एंट्री कंफर्म करेंगे, एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे रेंज के ऊपर में। फिलहाल के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस अभी बड़ा है, लेकिन जब रेंज बनाएगा तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि एपिसोड्स वगैरह जो हम बनाए थे उस एपिसोड्स में हम बताए हैं कि रेंज क्रिएट होने के बाद कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। आप लोग वो एपिसोड्स को अगर देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो लोग एपिसोड को नहीं देखे हैं, हम लिंक शेयर कर देंगे, लिंक को आप टैप करते हैं एपिसोड तक पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा किस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस को लगाते हैं। फिलहाल के लिए अपने एंट्री बनेगा जब ये 37,144 के नीचे है, यानी कि 37,144 के नीचे आएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 37,957 का। फर्स्ट टारगेट है 36,151 एंड सेकंड टारगेट है 35,021। सेकेंड नंबर स्टॉक अपने पास बलरामपुर चीनी एंड बलरामपुर चीनी में एक रेंज देखने को मिल रहा है, जिस रेंज के भीतर में ये फंसा हुआ है। अगर ये 371.35 रुपीज़ के नीचे आता तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो हम लोग वेट करेंगे कि बलरामपुर चीनी ये ट्रेड लाइन के नीचे आ जाए। इसके नीचे आते यहाँ पे ये गिरना स्टार्ट करेगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 378.55 रुपीज़ का एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 358.55। सेकेंड टारगेट है 340.35। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि यहाँ से गिर ही जाएगा, मे भी ऐसा हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स हो जाए कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको तोड़ दिया। क्योंकि आज निफ्टी में गिरावट आया है, बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ गिरा, फिन निफ्टी भी नीचे की तरफ गिरा है, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो जिसके वजह से मार्केट सब नीचे गिरा। लेकिन कल का मार्केट डिसाइड करेगा कि ट्रेंड पॉजिटिव होगा वापस या फिर इसी तरीके से ट्रेंड नेगेटिव रह जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी क्विक डिसीजन नहीं लेंगे जब तक एक कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिलता, एक रेंज देखने को नहीं मिलता, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अभी मार्केट किधर की तरफ जाएगा। तो कल का ट्रेड हो सकता है थोड़ा डिसीजन मेकिंग रहेगा, उसके बाद हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर रेंज क्रिएट करके अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर वापस देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम लोग इसको सेल करेंगे कब, जब ये 2382 के नीचे जाएगा तब। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2413 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2328 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 2257। निफ्टी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, लास्ट मोमेंट पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला निफ्टी में, एंड अगर हम लोग निफ्टी को ये डाटा को रेज करते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, एक रेसिस्टेंस, जिस रेसिस्टेंस के ऊपर निफ्टी नहीं जा पा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी ब्रेकडाउन दिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक उसी रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गिरा एंड वापस यहाँ पे नीचे की तरफ गिर गया। अब अगर हम लोग निफ्टी का सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करें कि निफ्टी अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे लेगा, तो निफ्टी ये ट्रेड लाइन को इस तरीके से फॉलो करके यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेने के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग ये व्यू देखें तो हम लोग को ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि निफ्टी धीरे 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 ये इस ट्रेड लाइन तक आएगा, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा गिरावट देख सकते हैं, 22,200 एक राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं कि यहाँ तक निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर जाए, मतलब 100-150 पॉइंट निफ्टी और नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर निफ्टी का सपोर्ट देखेंगे तो निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे मिल रहा है, तो इस जगह तक निफ्टी और गिर सकता है। तो 22,230 का एक फिगर पकड़ के चल रहा है, 22,230 तक
निफ्टी इसी तरीके से गिरेगा। तो निफ्टी यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से निफ्टी नीचे की तरफ गिर रहा है। बट यहाँ भी जरूरी नहीं कि रिवर्सल जोन है, रिवर्सल जोन निफ्टी का यहाँ पे है, निफ्टी यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, फिर मार्केट इसको तोड़ेगा तो ये ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि निफ्टी अगर नीचे गिरा तो कहाँ तक गिरेगा और कहाँ पे आके पॉज लेगा। बैंक निफ्टी पे भी सेम वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ये ट्रेड लाइन तक आएगा सपोर्ट लेने के लिए। और कुछ इस तरीके से भी हम लोग बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी तोड़ चुका है, इसको मार्केट एक्सेप्ट नहीं किया। अब इस तरीके से हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे मार्केट आके पॉज लेगा। तो फिलहाल देख के ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी भी अभी भी और नीचे की तरफ गिर सकता है, कम से कम यहाँ तक या फिर ये ट्रेड लाइन तक। तो हम लोग यहाँ तक का तो उम्मीद नहीं करेंगे, कुछ इस तरीका से मार्केट रिवर्स होगा। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ टेम्पररी है, ये एक बार में नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया। जब तक ये ट्रेड लाइन है तब तक मार्केट रुकेगा, होल्ड करेगा, मार्केट में बाइंग बना रहेगा। ये ट्रेड लाइन के नीचे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी आएगा तब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो व्यू है टेम्पररी है, ये जो बेरिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, कुछ और मार्केट गिरने का वापस पुल बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छे से ट्रेड लेना है एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा। वीडियो अगर मज़ेदार रहा और समझदारी वाला चीज रहा, मतलब वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो ये वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाय।